चीन ने 12 साल पहले मार्च गिराया था सैटेलाइट, अस ने उठाए थे सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुपर पावर बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक लाइव सैटेलाइट को मार्च गिराने में सफलता हासिल की है। वहीं भारत के पड़ोसी देश चीन की बात करें तो उसने पहली बार जनवरी 2007 में ही एंटी सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च किया था और अपने ही एक मौसम सैटेलाइट को मार्च गिराया गया था। हालांकि चीन के इस परीक्षण पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई थी। शुरुआत में चीन ने इनकार किया था, लेकिन दो हफ्ते बाद बयान जारी किया था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक चीन ने फिर 2010 में दूसरी बार एंटी सैटेलाइट मिसाइल फायर किया था। यह परीक्षण उसने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस एक्सपेरिमेंट के नाम पर किया था। तब चीन ने भी कहा था कि ये परीक्षण रक्षात्मक था और किसी भी देश के खिलाफ नहीं। इसके बाद अंतरिक्ष के क्षेत्र में काफी चर्चाएं होने लगी कि क्या चीन ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहा है जिससे किसी भी देश के सैटेलाइट को गिराया जा सकता है। इसके बाद अमेरिका में ये भी सवाल उठने लगे थे कि अमेरिकी प्रशासन ने चीन को ऐसा करने से रोकने के लिए क्या किया, भारत ने कैसे मार्च गिराया सैटेलाइट। पीएम मोदी ने कहा कि इस मिशन को मिशन शक्ति का नाम दिया है। आज भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति बन गया है। पीएम ने बताया कि लियो सैटेलाइट को मार्च गिराना एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था। इस मिशन को सिर्फ 3 मिनट में पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के वैज्ञानिकों ने इस मिशन के सभी लक्ष्यों को हासिल किया है। इसके लिए भारत में निर्मित सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया था। पीएम ने कहा कि आज हमारे पास पर्याप्त संख्या में सैटेलाइट हैं जो कृषि, रक्षा, सुरक्षा, संचार समेत कई क्षेत्रों में सहायता मिल रही है। इससे पहले पीएम ने ट्वीट करके कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, आज सवेरे लगभग 11:45 से 12 बजे मैं एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आपके बीच आऊंगा। इसके बाद से ही पूरा देश पीएम के संबोधन का इंतजार करने लगा था। पीएम ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि भारत की कोशिश किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए है। इस मिशन के लिए वैज्ञानिकों ने महीनों कड़ी मेहनत की थी। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारा ये ऑपरेशन किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन नहीं करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश शांति बनाए रखना है, न कि युद्ध का माहौल बनाना। उन्होंने कहा कि इस कार्यवाही से किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं किया है। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन शुरू होने से पहले लोग तरह तरह के कयास लगा रहे थे। सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे थे कि मोदी आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का ऐलान कर सकते हैं, तो कोई कह रहा था मोदी नोटबंदी जैसे फैसले ले सकते हैं। ऐसे में मोदी के ऐलान ने बहुत लोगों को चौंका दिया।